है तड़ी, तो ये देखिए ये बन चुकी है कड़ी और चावल। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। तो गाइस, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं विराज को शूज़ वगैरह पहना रही हूँ क्योंकि अभी इनका स्कूल का टाइम है, तो इनको स्कूल भेजने के लिए वही तैयारी कर रही हूँ। और मॉर्निंग में इतना भाग दौड़ होती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर शूज़ वगैरह मैंने विराज को पहना दिए हैं और अभी विराज रेडी हो चुका है। लंच वगैरह मैंने इनका तैयार कर दिया था और गाइस फिर उसके बाद फिर मैं घर के कामों में लग गई अपने। तो गाइस ये ना वो रजाई, तो इस पे जो कवर चढ़ाया है ना गरम, तो ये ना इधर उधर भगता है, रजाई अलग जाती है और ये ऊपर का जो कवर है इसका खोली भी बोलते हैं इसे, तो ये ना इधर उधर भगती है। तो मैं इनका चलो थोड़ा सा ना सिल लेती हूँ, सिलाई लगा देती हूँ इसमें। तो मैं ना जगह जगह पर ना टांके इसमें मार दूँगी जो कि रजाई इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पे ना मैंने गाने लगाए हुए हैं, तो गाने भी चल रहे हैं और मॉर्निंग में सुबह सुबह अच्छा लगता है ना, भजन वगैरह मैं सुनती हूँ। तो अभी यहाँ पर सारे मैं इसी रजाई में ना टांके लगा दूँगी, इसका मुंह सिल दूँगी। तो पहले मैं इस काम को कर लेती हूँ और ये ना घर के कई छोटे मोटे काम जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं करने के लिए। वो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कई दिन से कि इस पर ना टांके लगा दो, ये इधर उधर भग रही है रजाई, तो मैंने कहा हाँ कर दूँगी। तो आज मुझे फिर अचानक से याद आया, पहले मैंने कहा सुबह सुबह सबसे पहले मैं यही काम करूँगी, पहले मैंने कहा इस रजाई का पहले मैं टांके लगा देती हूँ वरना इधर उधर नहीं भगेगी, क्योंकि जब रात में सोते हैं ना बच्चे तो फिर रजाई को इधर उधर कर देते हैं, खोली हाथ में आती है, तो इस वजह से। तो यहाँ मैं जगह जगह पर टांके लगा देती हूँ और घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं ना अच्छा भी लगता है करने में। तो चलिए अभी मैं सिल लेती हूँ। तो गाइस मैंने रजाई में टाके वगैरह लगा दिए थे और बेडशीट वगैरह मैंने कर दी थी, तो फिर अभी मैं झाड़ू निकाल देती हूँ रूम में से, फिर मैं पोंछा वगैरह लगा दूँगी। तो सारे रूम में से झाड़ू निकाल दी है और सारा काम करने के बाद फ्री होके एकदम रिलैक्स होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। घर भी एकदम साफ़ सुथरा पड़ा रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, शांति सी मिलती है कि हाँ अब जाके हम फ्री हुए हैं। तो ये देखो मैंने ना गाने लगाए हुए हैं। तो मैं ना क्या करती हूँ, सुबह सुबह जब मैं काम करती हूँ ना घर का, तो मैं ना गाने चला देती हूँ और जब गाने चलते हैं ना तो मेरा काम भी जल्दी होता है और सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं, कम आवाज़ में ही मैं सुनती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, फिर काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और वैसे भी एनर्जी सी आती है शरीर में, है ना, जब हम काम करते हैं गाने वाने चला लेते हैं तो एनर्जी सी भी आती है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। तो वही काम मेरा हो चुका है, तो अभी झाड़ू लगा के अभी मैं झाड़ू लगा दिया सारे में, और फिर मैं अब पोंछा मार दूँगी और फिर मैं आंगन भी साफ़ करूँगी। तो देखो यहाँ गाने चल रहे थे तो मटकने लगी। तो गाइस रूम में मैंने लगा दिया है पोंछा, तो अभी ये आंगन साफ़ किया था मैंने, झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी आंगन में से, तो मैं यहाँ अभी आंगन में भी पोंछा लगा दूंगी और जल्दी जल्दी से मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ना मैं नहा लूँगी और मैं ना सारा काम करने के बाद जब नहाती हूँ गाइस, झाड़ू पोछा सारा हो जाता है ना, बर्तन बर्तन किचन में, किचन भी साफ़ हो जाती है, रूम भी साफ़ हो जाते हैं, उसके बाद ही फिर मैं नहा लेती हूँ लास्ट में, फिर उसके बाद खाना वाना खाती हूँ तो एकदम फ्री हो जाती हूँ। तो अभी मैंने ना इस तरीके से पोंछा लगा रही हूँ और ये ना रंगोली आप देख रहे हो ना, ये दिवाली पे मैंने बनाई थी, जो कलर होते हैं ना ड्राइंग वाले, वो वाले जो कपड़े वपड़े सब पे ड्राइंग करते हैं ना कलर वाले, तो वही वाले कलर थे। तो देखो अभी तक छूटी नहीं है, अब छूटने लगी है हल्की हल्की। और ये ड्राइंग मैंने और रंगोली ये मैंने और कुहू ने हम दोनों ने बनाई थी मिलकर, और अभी ना छूटने लगे हैं कलर इसके, और इस पर जब पोंछा लगा देती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस उसके बाद मैंने इधर की साइड धो दिया था, ज़्यादा गंदा हो रहा था इस वजह से, और अभी मैं धो रही हूँ कपड़े, माता रानी के कपड़े जो पोशाक
मैया रानी की थी, गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा इनको भी मैं धो के डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये टब मैंने इसलिए ही कर रखा है, माता रानी के कपड़े वगैरह मैं धोने के लिए ये मैंने लिया था, तो इसी में मैं कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, पोशाक वगैरह। और मुझे गैस बाज़ार भी जाना है, मुझे याद आ गया, मुझे ना मार्केट से गर्म पोशाक लेके आनी है माता रानी की, अभी सर्दी चल रही है ना, तो गर्म पोशाक भी लानी है। एक मन कर रहा मैं खुद बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कुरसिया चलाना जानती हूँ, तो सोच रही हूँ कि मैं खुद ही बना लेती हूँ। एक मन कर रहा है कि मैं मार्केट से ले आऊँ, देखती हूँ कैसे करूँगी, बाज़ार से लाऊँगी या मैं खुद बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये पोशाक धो लेती हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, यहाँ ना मैं हो गई हूँ नहा धोकर एकदम रेडी। तो मुझे ना एक गाउन की फिटिंग करनी है और मुझे सूट भी सिलना है, और सूट है नेहा का। तो गाइस, मैं ना अभी छत पे जाऊंगी नेहा का नाप लेने के लिए। तो ये है नेहा का सूट, बहुत प्यारा सूट है उसका। तो अभी दिखाती हूँ आपको सूट में उसका। तो गाइस, ये है नेहा का सूट, इसको मुझे सिलना है पैंट वाला। ये इसकी पजामी है, पैंट सिलूंगी इसकी मैं, और बहुत ही प्यारा सूट है ये वाला। तो चलिए, मैं उसका नाप लेने के लिए छत पे जा रही हूँ अभी, और आज आपको भी मिलाती हूँ नेहा से। तो गाइस, चलते हैं नेहा का नाप लेने के लिए। तो इसमें मैंने इंची टेप रखा हुआ है, और पेन, एक कॉपी और लेती हूँ, डायरी। तो अभी इसका नाप ले लेती हूँ मैं, सूट को मैं यहीं रख के जा रही हूँ अभी। चप्पल बंदर बहुत आ रहे हैं हमारे यहाँ। नेहा क्या कर रही है? खोलियो गेट। हवा कैसे चल रही है गाइस, देखो। तो नेहा यहाँ खाने में लग रही है, क्या खा रही है? रोटी। मैंने भी अभी खाई है, भूख लग रही बच्चन के संग। नाप दे दो अपना, इंची टेप मैं लेके आई हूँ इनको, आंटी को। तो गाइस, मैंने नाप ले लिया है नेहा का, ये रहा। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, कल कल कटिंग करूंगी, अब तो टाइम हो गया ज्यादा। ले नेहा, गेट लगा ला है इसका, गेट देखो फिर से। तो गाइस, कल सिलूंगी नेहा का सूट, आज नहीं। आज तो हवा चल रही है बहुत, देखो पर्दे भी कैसे हल रहे हैं इसके। तो कल मैं ना सूट सिलूंगी, कल कटिंग करूंगी, तो वो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए, कटिंग करके और फिर सिलूंगी। अभी मैं आ गई नीचे रूम में, और गाइस सूट आपने देख ही लिया है इसका, ये वाला इसकी पैंट बनेगी और इसकी कुर्ती। तो कल से मैं सिलूंगी इसके सूट। और गाइस, अभी फ्री हुई हूँ, बच्चे आए हैं स्कूल से, खाना वाना दिया था उनको, अभी वो ट्यूशन गए हैं, तो हार जाती हूँ सच में, पूरा दिन ना टाइम का पता नहीं चलता। अब तो सर्दियाँ आ गई ना, तो टाइम भी वो दिन छोटे हो गए हैं। पर 25 दिसंबर से ना, बोलते हैं एक एक दिन जो तिल का दाना होता है ना, इतना बढ़ने लग जाता है, तो फिर वो दिन लंबे होते जाएंगे। अभी तो छोटे हो रहे हैं, रात बड़ी हो रही है। रात को पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 दिन से ना मुझे क्या हो रहा है कि मेरी कभी 2 बजे कभी 3 बजे आँख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती, आधा 1 घंटा नींद नहीं आएगी, ऐसी लेटी रहूंगी, फिर कब नींद आएगी पता नहीं चलता, फिर मुझे फिर सुबह आँख खुलेगी,
फिर बच्चों का वही स्कूल का, जल्दी जल्दी से खाना वाना बनाओ इनको, जब तक तो बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, जब तक तो बस यही लग रहा था जल्दी से निकल जाएं, अपने टाइम पे पहुंच जाएं स्कूल। जब भी चले जाते हैं उसके बाद मैं एकदम से रिलैक्स होती हूँ, फिर मैं जो काम मेरे और हैं घर के सारे, सभी लेडीज हैं ऐसा ही करती होंगी वैसे, है ना, सुबह सुबह बस बच्चों का स्कूल जाने का, जिन पे बच्चे हैं मतलब कि सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं सबसे पहले बस बच्चों का यही रहता है कि बस टाइम से बच्चे स्कूल पहुंच जाएं, और फिर उसके बाद रिलैक्स होके फिर सारा काम करती हैं घर का, ऐसे मेरे साथ होता है, बस सुबह यही लगता है मुझे भी। तो नेहा के ना 3 सूट हैं गाइस, तो अभी ना नेहा ने एक ही सूट दिया है मुझे सिलने के लिए, उसके बाद मैं 2 सूट और सिलूंगी, और तीनों सूट वो पैंट वाले सिलवा रही है, और एक सूट मैं भी लेकर आई हूँ, मैं अपना बाद में सिलूंगी। मैं भी देखती हूँ, या तो मैं पैंट वाला सिलूंगी या प्लाजो वाला, वो आप सबके साथ मैं शेयर कर ही दूंगी जब सिलाई करूंगी उसकी तो। और गाइस पहले बता देती हूँ, मैं बाहर की सिलाई नहीं करती हूँ, मैं अपने घर के ही सिल रही हूँ, कहीं आप सोचो कि सिलाई वगैरह करती हैं ये, तो हाँ मैं सिलाई सिर्फ अपने घर की और अपने ही सिलती हूँ, बाहर की सिलाई में नहीं करती हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर दिया करो गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और दिखाऊंगी सूट की कटिंग, है ना, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ सूट की कटिंग दिखाना, तो मैं सूट की कटिंग भी दिखाऊंगी, और फिर सिल जाएगा ना तो नेहा को पहना कर फिर दिखाऊंगी आपको कि सूट कैसा लग रहा है उसका, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।